नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कि भारत के सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष में किस तरह के रिलेशन हों ताकि भारत का संसदीय लोकतंत्र दुनिया में नाम कमाए। 2024 के लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो पूरे देशवासियों को लगा कि इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतरेगी और वह देखेगी कि जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था, 370 पार का नारा दिया जा रहा था, जनता ने उन्हें क्या मैसेज दिया है। और विपक्ष को अच्छी मजबूती के साथ सदन में, लोकसभा में क्यों भेजा। लेकिन जिस तरह से एनडीए सरकार का गठन हुआ, लगभग महत्वपूर्ण मंत्रालयों में पुराने मंत्री रिपीट किए गए और जो एलायड पार्टीज हैं उनके मंत्रियों की संख्या क्या रही, उन्हें किस तरह के विभाग दिए गए, इस पर बहुत कुछ कहना बेकार है। अब मैं आता हूँ कि जब सरकार ने काम करना शुरू किया और जब 24 जून को लोकसभा राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ तो शपथ ग्रहण के बाद जब स्पीकर पद के चुनाव की बात आई, ठीक है कि श्री राजनाथ सिंह जी ने वार्ता की श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, लेकिन जब एक डिप्टी स्पीकर का पद आया तो जैसे लगा कि जैसे यह शर्त रखी जा रही है। अरे, संसदीय लोकतंत्र में निश्चित तौर पर संबंध प्रिय होने चाहिए। वर्ष 1991 से लेकर 2014 तक जो परिपाटी अख्तियार की गई, चाहे कांग्रेस नित सरकार हो या बीजेपी नित सरकार हो या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, डिप्टी स्पीकर के पद पर परंपरा रही कि विपक्ष को ये पद दिया जाए। शायद एक बार एलायड पार्टी को सत्तारूढ़ दल ने दिया था, यह कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर अड़ी रही और अंततः विपक्ष को अपनी ओर से 8 बार के सांसद केरल के श्री के सुरेश के नाम को आगे करना पड़ा स्पीकर पोस्ट के लिए। वो दलित भी, चुनाव की नौबत नहीं आई, ध्वनिमत से श्री ओम बिरला अध्यक्ष बनाए गए। श्री ओम बिरला के नाम के संबंध में निश्चित तौर पर ऑपोजिशन को रिजर्वेशन है। जो 2019 से 2024 तक जिस तरह से उन्होंने लोकसभा का संचालन किया, जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में सांसदों का निष्कासन हुआ और निष्कासन की अवधि में भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास कराए गए, उससे निश्चित तौर पर व्यथित था विपक्ष। उस वक्त संख्या बल कम जरूर था, लेकिन फिर भी संसदीय लोकतंत्र में किसी भी देश में अगर आप देखें तो कम संख्या हो या अधिक संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके व्यवहार को लेकर, इसीलिए देखे होंगे, देश की जनता ने देखा कि विपक्ष की ओर से स्पीकर के चुनाव के बाद जो उद्बोधन हुए श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव जी सहित अन्य लोगों के, तो उस धन्यवाद के समय उन लोगों ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया, ये बात श्री ओम बिरला साहब को समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन डिप्टी स्पीकर की अब चर्चा बंद हो गई। इसी बीच, चूंकि नीट इस देश का बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, 23,35,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 67 टॉपर हो गए, एनटीए की जो कार्यप्रणाली है और उनके अध्यक्ष जो काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं, चूंकि वो मध्य प्रदेश लोकसभा के आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, यूपीएससी के मेंबर रहे हैं, यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं और 2023 से एनटीए के चेयरमैन, इनकी ख्याति, इनकी संबद्धता पूरा देश जान रहा है। और लगता है कि नीट में जो पर्दाफाश हो रहे हैं, एक तो 1,563 बच्चों को जिस तरह से ग्रेस मार्क दिए गए, इस पर कोई सूचना नहीं दी गई। अगर ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो ये बात किसी को पता भी नहीं चलती।
लेकिन जब ये बात पता लग गई तब जाकर 1563 विद्यार्थियों के लिए 23 जून को परीक्षा आयोजित की गई और आश्चर्यजनक ढंग से 750 बच्चों ने उसमें अपेयर होना उचित नहीं समझा। यही एक करारा मैसेज है एनटीए को और पूरे देश ने जाना कि अगर ये 750 बच्चे का अगर ये मामला नहीं उखड़ता तो इन लोगों का एडमिशन तो देश के किसी भी एम्स में होता, चूँकि 720/720 वाले बच्चे भी इसमें हैं, या एम्स में नहीं होता तो जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं अच्छे उसमें हो जाता इस तरह। और उसके बाद अब जब सीबीआई को दिया गया है, अरे एक कमेटी आईएएस आरओ इसरो के एक्स चेयरमैन की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसका रिपोर्ट तो आगे के लिए काम आएगा, लेकिन सीबीआई जो अब इंक्वायरी कर रही है उसमें जो परत दर परत खुल रहे हैं अब राज्यों की सीमाएँ बढ़ती चली जा रही हैं। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कहा कि 0.001 भी गलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, 2015 में भी लीक हुआ था मेडिकल का क्वेश्चन, उस वक्त भी रद्द हुआ था। इसके अतिरिक्त मैं उदाहरण दूं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, विभिन्न तरह की परीक्षाएँ रद्द हुई हैं, SSC की परीक्षा रद्द हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसमें भी कैंडिडेट SSC में और UP पुलिस में तो लगभग 50 लाख कैंडिडेट थे और यहाँ पर तो 24 लाख कैंडिडेट का सवाल है। भारत के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक तो शुरू में इनकार कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बाद में स्वीकार किया, लेकिन पूरा देश ये शुरू में लग रहा था कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाएगा, चूंकि अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि करोड़ों करोड़ का खेल हुआ है इसमें और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़ी कमाई हुई है और जो कमज़ोर बच्चे हैं बड़े लोगों के उनको घुसाने का प्रयास किया गया है, धन्ना सेठों के बच्चों को, और जो गरीबों के बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस परीक्षा के लिए उनके मेरिट स्वाभाविक तौर पर वो नीचे आ गए, इसलिए उनके अति पर खतरा है। और आज ये तर्क विभिन्न तरह से इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है कि अगर पूरा रद्द हो जाएगा तो जो बच्चे काफ़ी मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाए हैं उनके साथ इनजस्टिस होगा। अरे जब 0.001 की गलती पर भी आपको कार्रवाई करने का इशारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है तो रद्द करिए, और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं फिर दोबारे आप परीक्षा लेंगे, एक महीने में रिजल्ट देंगे, देखेंगे कि वे बच्चे फिर कंपीट करेंगे अच्छे मार्क्स के साथ और उनका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन जो घोटाला करके अच्छे मार्क्स लाए हैं वो निश्चित तौर पर सब बाहर हो जाएंगे। तो नीट पर चर्चा नहीं हुई। आज भी मैंने लोकसभा का जो टीवी पर मैं देख रहा था कि ठीक है विपक्ष राजी हो गया कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बार बार ये कहते रहे कि एक दिन नीट के लिए चर्चा की जाए, चूँकि वो मैसेज संसद से जाए 24 लाख बच्चों को, उनके गार्जियंस को और पूरे देश को कि नीट पर सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष संवेदनशील, लेकिन जिस तरह से उत्तर दिया गया है उससे लगता नहीं है कि अलग से एक दिन की चर्चा होगी अथवा नहीं होगी, ये तो माननीय स्पीकर महोदय साहब को निर्णय लेना है। शुक्रवार को जो राज्यसभा में घटना घटी और सभापति महोदय ने जिस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगाया कि ये दाग पड़ गया चूँकि वे वेल में आ गए, अरे सच्चाई यह थी कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए तो वो सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे और मजबूरी में वो थोड़ा आगे बढ़े तो उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया कि वो वेल में आ गए। इस तरह से मैं नहीं समझता हूँ कि सत्तारूढ़ दल ये चाहता ही नहीं है, वो देख रहा है कि 240 पर आप सिमट गए हैं, आप एलाइड पार्टीज के सहारे सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड वही है जो 2014 से 19 में था, जो 2019 से 24 में था, ऐसे सदन तो नहीं चलेगा और ऐसे देश को क्या मैसेज जाएगा, दुनिया को क्या मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी देखना पड़ेगा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ कि जिस दिन बहस हो रही थी लगता था कि उन्हें बेल मिलेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो CBI ने उस मामले को ले लिया और फिर उनको कस्टडी में ले लिया। श्री हेमंत सोरेन जी को जो बेल दिया गया है और ऑनरेबल जस्टिस ने जो टिप्पणी की है उससे ये लगता है
कि उन पर तो कोई आरोप ही नहीं बनता था। अब तो देश को देखना पड़ेगा ना, सत्तारूढ़ दल को सोचना पड़ेगा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां इस तरह से किसी विपक्ष के नेता को बदनाम करने के लिए, उनको चुनाव प्रचार से अलग रखने के लिए जगह जेल भेज देगी, और जब ये अब रांची हाईकोर्ट कहता है कि श्री हेमंत सोरेन पर तो कोई मामला ही नहीं, उनकी जो प्रतिष्ठा गई 5 महीने जो वो जेल में रहे, ये कौन लौटाएगा? उनको जो मानसिक प्रताड़ना हुई, क्या उसके लिए वो केंद्रीय एजेंसी दोषी नहीं है? उनके पदाधिकारी जो जिन लोगों ने बहुत आगे बढ़कर ये कार्रवाई की, ऐसी भी अब ये सिस्टम सरकार को डेवलप करना चाहिए कि अगर मामले में कुछ नहीं पाया जाएगा और बेवजह परेशान करने की वाली बात होगी, तो जो लोग केस के आईओ हैं चाहे जो उससे कनेक्टेड हैं, उनके लिए भी कि क्या उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी कानून बनना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूँ एक देशवासी के रूप में कि अभी भी वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सच्चाई को समझे, अन्यथा आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे कई स्टेट्स के, या जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, तो आपको जनता को जवाब देना होगा कि आपने जनता के मुद्दों पर, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या नीट में जिस तरह की बात हुई है, अन्य परीक्षाएं जो 7 वर्षों में जो 70 परीक्षाएं लीक हुई है, जो युवाओं से कनेक्टेड है, इस पर अगर आप नहीं देंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा, और देश के संसदीय लोकतंत्र के हित में बहुत अच्छा होगा कि सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष में तालमेल हो, उनमें एमिकेबल रिलेशन हो, तभी देश का विकास होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।